हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल के एक और नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपने वीडियो देखा होगा NCS के, जो कॉपीराइट फ्री साउंड के, जो एक विजुअलाइजेशन जो वीडियो होता है दोस्तों, जिसमें कि एक फ़ोटो चल रहा होता है, जैसे कि मैं ये साइड में आपको दिखा देता हूँ जो साइड में चल रहा है दोस्तों, इस तरीके का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है साथ वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपको अपने मोबाइल में जो है एक एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, एवी प्लेयर। तो दोस्तों ये इस तरीके का है, ब्लू कलर का आइकन दिखा रहा है दोस्तों, इसे जो है आपको डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल में। तो जब तक मेरा डाउनलोड हो रहा है मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये एक पेड वर्ज़न भी है और एक फ्री वर्ज़न भी है दोस्तों। पेड में आपको जो है वाटरमार्क नहीं मिलेगा, लेकिन जो है फ्री में आपको वाटरमार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जब ये आपका जो है एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, तो देखिए डाउनलोड होने के बाद कुछ ऐसा आपको जो है ये एप्लीकेशन यहाँ से इंस्टॉल हो रहा है हमारे फ़ोन में, देख लीजिए। तो ये जो हमारे में एप्लीकेशन जो है ये डाउनलोड हो गया है। तो इसके बाद जो है आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, अगर आप बीच में छोड़ के देख लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे आपको जो है ये वीडियो बनानी है। तो दोस्तों देखिए, जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो इसे जो है आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में, इसे अलाउ कर देना है। वो एक दो जो है आपके ऑडियो और ये वीडियोस का जो है आपको ये थोड़ा सा परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन अलाउ कर देना है। तो जब ये आपका एप्लीकेशन जो है परमिशन से अलाउ हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। तो दोस्तों देखिए, आपके फ़ोन में जितने भी म्यूज़िक होंगे, ऑडियो वगैरह, वो सारे यहाँ पर जो है शो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको जोन से वाले गाने पे आपको जो है ऑडियो लगाना है, वो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो इसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो मैं अपना एक कॉपीराइट फ्री जो साउंड है, मैं उसे जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों आपको यहाँ 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर करना है आपको ऐड टू विजुअलाइजेशन, कहीं होगा देखिए यहाँ पर दोस्तों। या फिर आप यहाँ पे चले जाए डी सीधा विजुअलाइजेशन पे, तो यहाँ पे आपको जो है वो साउंड यहाँ पे जो है आपका दिखा देगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है इस गाने का भी नाम आ रहा है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं अपना एक फ़ोटो आए जो है ये फ्रंट जो गोला है इस पर, और एक जो बैकग्राउंड में जो है ऑरेंज आ रहा है, यहाँ पर भी जो है एक अलग सा फ़ोटो आए। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पर जाना है ऊपर, ये पेंसिल से बना रहा है, इसके वाला ऑप्शन पर जाना है। तो देखिए पेंसिल वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ आपको जो है कंपोजिशन से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो है एक इमेज नाम का पहले है, एक दो इमेज हैं। तो दोस्तों ये जो पहला वाला है, ये एक इनर वाला जो है बीच में जो गोला आ रहा है, इसका है ये फ़ोटो। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन खुल गए इमेज के अंदर। तो यहाँ पे हमें जाना है इमेज वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर देखिए कस्टम इमेज में जो एक सर्कल सा चौकोर सा बना हुआ आ रहा है बॉक्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कुछ इमेजेस हैं जो कि कलर होते हैं, वो यहाँ पे शो करेंगे। तो हमें जो है अपना खुद का यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पे मैं करना है पिक इमेज, जब इस पर हम करते हैं पिक इमेज पे, तो दोस्तों ये हमारा जो है फाइल मैनेजर को ओपन करता है। तो इसके बाद जो हमें जो फ़ोटो लगाना, जैसे जैसे ये वाला मुझे फ़ोटो लगाना है, इस पर हमने क्लिक करा। तो देखिए ये बैकग्राउंड में लग गया, लेकिन हमें चाहिए कि इसमें ये इस गोले वाले में। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर बैक जाना पड़ेगा, ये शायद ये दूसरा वाला है, इस पे जाना है इमेज पे, और यहाँ पे जाना है और यहाँ पी का इमेज करना है। वापस से फिर वही ऑप्शन खुलेगा दोस्तों, यहाँ पे कर देना है वही, वापस अपना फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए हमारा जो गोले में फ़ोटो जो है आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, वो लग गया। और हमें चाहिए बैकग्राउंड में दूसरा इमेज, तो बैकग्राउंड के लिए हमें पहला वाला इमेज जाना है और वापस से इसी पर करना है और यहाँ पी इमेज पर करना है। तो बैकग्राउंड पर जो इमेज लगाना चाहते हैं वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा। देखिए दोस्तों ये बैकग्राउंड में जो हमारा इमेज लग गया है। इसके बाद जो हमें यहाँ पर करना है बैक, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये गाना है वो बन गया है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है यहाँ पे वो शो हो गया है। इसके बाद जो है हमें यहाँ पे इसे करना है एक्सपोर्ट। तो दोस्तों एक्सपोर्ट इसके लिए जो है दोस्तों, आप यहाँ पे जो ये बने आ रहे हैं, ये अलग अलग इफेक्ट आ रहे हैं, इसे आप बदल सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जाना है, ये ऊपर जो 4 से डॉट बने आ रहे हैं इस पर जाना है आपको। और यहाँ पे जब जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो है अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे ये वाला देख लीजिए आप,
तो यहाँ पे आपको जो है फ़ोटो दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो देखिए पहला वाला इमेज जो है वो हमारे बैकग्राउंड के लिए है, यहाँ पे इमेज पे जाना है, स्क्वायर पे जाना है, पिक इमेज पे करना है, और साथ में यहाँ पे हमें जाना है फिर अपने उसी फ़ोटो पे लेना है। तो देखिए हमने फ़ोटो लिया यहाँ पे, तो देखिए हमारे जो है बैकग्राउंड में वो फ़ोटो लग गया। इसके बाद हमें जाना है दूसरे वाले इमेज पे, तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा बैक जाना है, फिर दूसरे वाले इमेज पे ऑप्शन करना है, और यहाँ कस्टम इमेज पे करके हमें पिक इमेज करना है, और यहाँ पे जो है हमें वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना जो भी हम उस गोले में लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो है ये साउंड इस तरीके का जो है वीडियो बना है। तो दोस्तों हमने जो वीडियो क्रिएट कर लिया है, तो दोस्तों इसे जो है आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर जाना है, ये साइड में देखिए एरो सा बना रहा है नीचे की तरफ, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको जो है एक्सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ आपको जो है ऑप्शन दिखाएगा। इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर अपने फाइल का नाम लिख लेना है जो भी आप देना चाहते हैं। तो जैसे मैं इसे हटा देता हूँ नाम को, यहाँ पर जैसे मैंने इसका नाम दे दिया, कोई भी जो गाने का नाम है वो दे दिया मैंने, फेवरेट कर दिया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मेरा जो है ट्रायल वर्जन है, इसलिए जो है यहाँ पर कुछ ऑप्शन जो ये येलो येलो डॉट आ रहे हैं दोस्तों इस पर जो है आपको नहीं दिखाएगा। ये येलो मतलब कि आप प्रीमियम जब खरीदेंगे तो येलो डॉट हट जाएगा। दोस्तों आप जो है इस वीडियो के जो है मेन जो आप क्वालिटी है ये सब भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मेरे में जो है क्वालिटी चेंज नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा आ रहा है। तो जैसे मैंने ये 720 वाला पे करा तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। और यहाँ पे इससे नीचे आपको यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इसके बाद जो है ये आपका जो बैकग्राउंड में है वो गाना चलता रहेगा, और जो है जब तक वो गाना चलेगा दोस्तों जब तक कि ये आपका जो है एक्सपोर्ट जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि जो है आपको जो है इस बैकग्राउंड गाने को जो है पॉज नहीं करना दोस्तों। अगर आप पॉज कर देंगे तो ये जो है आपका जो रेंडरिंग हो रहा है एक्सपोर्ट, ये जो है आपका रुक जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो पॉज करके, जो वीडियो जब तक ये कम्प्लीट होता है तब आपको जो मैं ये दिखाता हूँ वीडियो। दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि जो है हमारा जो है एक्सपोर्ट कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको जो है वीडियो का जो है एक थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे जो है आपका ये एक्सपोर्ट हुआ है। तो देखिए जब एक्सपोर्ट हो जाता है तो आपको जो है अपने किसी भी जो है आपका वीडियो प्लेयर हो आपके उस फ़ोन में, उसे आपको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जो है आपका ये आएगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए फेवरेट वन जो लिखा आ रहा है, एक बार जो मेरा ये है कैंसिल हो चुका था। तो देखिए यहाँ पे जो है मैं दिखाता हूँ जो है ये कैसे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि ये जो है आपका वीडियो का थोड़ा सा जो है आपका प्रीव्यू मैंने दिखा दिया है कि आपका इस तरीके से जो है आपका एक वीडियो बन सकता है। दोस्तों इस तरीके से जो है आप अपने वीडियो के लाइब्रेरी बना के जो है आप भी जो है NCS की तरह जो है आप एक चैनल खोल सकते हैं, आप उसमें भी वीडियो जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है साथ वाले आइकन को जो है ज़रूर दबा दीजिए बेल के, तो ताकि इस वीडियो से नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे आपके यूट्यूब के होम स्क्रीन पर। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़ रही है हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। Close till I get up. Time is barely on our side.